बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौलाना तौकीर रजा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, इंडिया बनाम भारत के नाम पर राजनीति हो रही है। आरएसएस बीजेपी इंडिया से इतनी खौफजदा हो गई हैं कि इंडिया को ख़त्म करने पर आ गई। इंडिया बनाम भारत में लोग हिंदुस्तान को भूल चुके हैं। जो इसमें से एक भी नाम ख़त्म करेगा वो देशद्रोही है। ये सिर्फ इंडिया को नहीं, ये हमारे देश को, भारत को ख़त्म करना चाहते हैं। मोदी अब फिर से नहीं आ रहे हैं, मोदी जा रहे हैं। सत्ता गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में चली गई है। मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों के साथ धोखा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन का नाम इंडिया राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया है। भाजपा उससे भी ज़्यादा गलत कर रही है। इंडिया को भाजपा कहती है कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है, जबकि गुलामी का प्रतीक राष्ट्रगान है। तीसरा मोर्चा तैयार होगा, जिसमें दिल्ली के रामलीला मैदान में 15 अक्टूबर को मुस्लिम महापंचायत होगी। भाजपा वाले भी पहले भी ये कहते रहे हैं कि अधिनायक शब्द का प्रयोग किंग जॉर्ज के सम्मान के लिए कहा गया था। उनको भारत का भाग्य विधाता बताया गया था। एक अच्छा राष्ट्रगान लिखवाया जाए जो 26 जनवरी को गाया जाए। भारत को लेके चल रहे हैं, नाम को लेके क्या कहना है? इसमें हमारा कहना इतना है कि राजनीति हो रही है और राजनीति के लिए, वोटों को हासिल करने के लिए देश का कितना बड़ा नुकसान हो जाए, इन राजनीतिक दलों को इस बात की कोई परवाह नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसी तंजीमें इंडिया नाम से इतनी खौफजदा हो गई हैं कि इंडिया को ख़त्म करने के लिए तैयार हो गई। और इंडिया को ख़त्म करने का जो काम करना चाहता है या जो कोशिश कर रहा है, वो हमारे देश का दोस्त नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये नाम रखा है, जानबूझकर रखा गया है। मैंने पहले भी एतराज़ किया था, कांग्रेस के तिरंगे पर मैंने हमेशा एतराज़ किया कि जब देश का तिरंगा है तो फिर कांग्रेस को अपनी पार्टी का झंडा उससे मुख्तलिफ रखना चाहिए था। देश का भी तिरंगा है और कांग्रेस का भी तिरंगा है, मैंने इस पर भी एतराज़ किया था और मैं इस पर भी एतराज़ करता हूँ कि ये जो गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, ये राजनीतिक लाभ के लिए रखा गया है, ये बात ठीक नहीं है। देश का इस्तेमाल और देश को नुकसान पहुँचाने का काम राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर कोई करता है, कांग्रेस कर रही है, गलत कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी उससे ज़्यादा गलत काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने पहले भी लिख कर दिया था जब उन्होंने ये कहा था कि जो ग़ुलामी के प्रतीक चीज़ें हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। औरंगज़ेब रोड का भी नाम बदल दिया और क्या क्या उन्होंने तमाशे किए। मैंने कहा, ये कहते हैं कि इंडिया जो है ये नाम है ग़ुलामी का प्रतीक है। ग़ुलामी का प्रतीक अगर कुछ है इस देश में तो वो राष्ट्रगान है, जो तमाम हिंदुस्तानी बड़े अदब और बड़े एहतराम से अपना राष्ट्रगान समझ के खड़े होकर पढ़ते हैं। मैंने ये बात प्रधानमंत्री को भी लिखी, मैंने ये बात आरएसएस प्रमुख को भी लिखी, मैंने राष्ट्रपति को भी लिखकर भेजा। ये मेरे पास कॉपीज हैं और वो दीजिए, ईमेल भी किया, रजिस्ट्री भी की, लेकिन उन्होंने जवाब देना तो बड़ी बात है, इसका किसी किस्म का नोटिस भी नहीं लिया। मैं ये कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वाले भी पहले ये कहते रहे हैं कि जनगणमन अधिनायक, ये अधिनायक का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ये बात जग जाहिर है, तमाम लोग जानते हैं कि किंग जॉर्ज पंजुम जब इंडिया आए थे तो उनके ऑनर के लिए ये गीत गाया गया था। और आज़ादी से 36 साल पहले ये राष्ट्रगीत नहीं था बल्कि ये उनके ऑनर के लिए, तो जॉर्ज, किंग जॉर्ज के लिए कहा गया था, जनगण मन अधिनायक आपकी जय हो,
भारत भाग्य विधाता, उनको भारत का भाग्य विधाता बताया गया था। तो ये गुलामी का अगर कोई सबसे बड़ा प्रतीक है तो इंडिया से पहले ये राष्ट्रगान गुलामी का प्रतीक है। इस राष्ट्रगान को मैंने राष्ट्रपति से भी अपील की थी, मैंने प्रधानमंत्री से भी अपील की थी कि इस राष्ट्रगान को तब्दील किया जाना चाहिए, आसान और आम फहम जुबान में लिखा जाना चाहिए। इसमें सारे प्रदेशों के नाम नहीं है, सब प्रदेशों को नाम ना आ सकते हो तो भी आसान जुबान में, जिससे पढ़ने वाले को पता चले कि वो क्या पढ़ रहा है और सुनने वाले को पता चले वो क्या सुन रहा है, जिसको सुनकर लोगों के दिलों में देश प्रेम की भावना पैदा हो, ऐसा राष्ट्रगान वजा किया जाना चाहिए। और आज भी मैं कहता हूँ कि अगर मुसलमानों से नफरत है तो मुसलमान के अलावा हिंदू समाज में भी अच्छे शायर, अच्छे कवि मौजूद हैं, उनसे एक राष्ट्रगान लिखवाया जाए और उसको आने वाली 26 जनवरी में उस राष्ट्रगान को देश को समर्पित किया जाना चाहिए। और इस दौरान इंडिया वर्सेस भारत, इसमें हिंदुस्तान को लोग भूल चुके हैं क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीतिक लाभ नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान के तीन नाम है और ये तीनों नाम रहने चाहिए। इस नाम, इसमें से एक भी नाम को ख़त्म करने का मतलब यह है कि जो ख़त्म करने की कोशिश करता है वो देश प्रेमी नहीं है, देशद्रोही है। ऐसी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आपका समर्थन किस तरफ रहेगा, इंडिया की तरफ या बीजेपी आरएसएस में? मेरा समर्थन इन दोनों की तरफ नहीं है क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी पार्टी और अपनी अपनी सत्ता के लालच में काम कर रहे हैं। देश के लिए कोई नहीं सोच रहा है, देश के जनता के लिए कोई नहीं सोच रहा है। मेरी कोशिश ये है कि मैं एक तीसरे ऑप्शन पर गौर कर रहा हूँ और मैं तमाम लोगों से रابطہ किया है, तमाम लोगों से बातचीत चल रही है, मीटिंग्स हमारी मुसलसल चल रही हैं। अभी उर्स का मौका है इसलिए मैं बरेली आ गया हूँ, वरना मैं अभी दिल्ली रहता। हमने रामलीला ग्राउंड की परमिशन मांगी हुई है, दिल्ली में इंशाल्लाह 15 अक्टूबर हमारी मुस्लिम महापंचायत होने जा रही है।